हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलर मॉडिफाइड मेथड। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इलर मेथड के ऊपर डिस्कस किया था, इस वीडियो में इलर मॉडिफाइड मेथड के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इलर मेथड में आपको ये फार्मूला दिया होता था वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कमा वाई एन, और इससे मुझे मतलब एन इक्वल टू जीरो रखने पर वाई वन मिल जाता था और एन इक्वल टू वन रखने पर वाई टू मिल जाता था, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको वॉच कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इलर मॉडिफाइड मेथड के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ये इलर मेथड में आपको एक कंडीशन गिवन होती थी dy / dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, इसमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी x नॉट पर y नॉट गिवन है और x पर y आपको फाइंड करना है। अब देखिए, इलर मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला क्या होता है, वाई एन प्लस वन की पावर m इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ एच अपॉन टू और f ऑफ एक्स एन कमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कमा वाई प्लस वन की पावर m माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, वेयर एम वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कामा वाई एन, यानी इसकी यहाँ पर ये वाली वैल्यू दिख रही है, वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन इक्वल टू होता है वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कामा वाई एन, यानी इलर मेथड। यानी इस मेथड से मैंने मुझे क्या निकालना है, इस मेथड से निकालना है जीरो तक अप्रोक्सीमेशन, इस मेथड से निकालना है जीरो तक अप्रोक्सीमेशन, जीरो तक अप्रोक्सीमेशन निकालना है, यानी वाई वन एट जीरो, वाई वन निकालना, वाई वन जीरो, जीरो तो जीरो तो अप्रोक्सीमेशन यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो या बाकी जो अप्रोक्सीमेशन निकलेंगे, यानी जीरो तो अप्रोक्सीमेशन जो निकलेगा वो निकलेगा इलर मेथड से, जीरो तो अप्रोक्सीमेशन इलर मेथड से निकलेगा, बाकी जो अप्रोक्सीमेशन निकलेंगे वो निकलेंगे इलर मॉडिफाइड मेथड से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं ये फार्मूला पुट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसे कि गिवन है, क्वेश्चन गिवन डेट डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस वाई विद द इनिशियल दैट वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड वाई फॉर एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एंड एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव बाई यूजिंग इलर मॉडिफाइड मेथड। तो बोल रहे आपको यूजिंग इलर मॉडिफाइड मेथड आपको यूज़ करना है। तो फंक्शन आपको गिवेन है डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस वाई। तो देखिए, आपको इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू पर आपको वाई वन फाइंड करना है, यानी ये दिया एक्स वन, एक्स वन, एक्स वन बराबर कितना दिया जीरो पॉइंट टू, एक्स टू बराबर कितना दिया जीरो पॉइंट फाइव, यानी एक्स इस पर आपको वाई वन फाइंड करना है, इस पर आपको वाई टू फाइंड करना है, इस पर आपको वाई वन, इस पर आपको वाई टू, यानी वाई एट जीरो पॉइंट टू इक्वल टू आपको वाई वन फाइंड करना है और वाई एट जीरो पॉइंट फाइव इक्वल टू आपको क्या का फाइंड, वाई एट जीरो पॉइंट फाइव आपको वाई टू फाइंड करना है। तो आप देखिए, इसको h निकालने के लिए इसमें क्या होता है, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, इसमें इलर मॉडिफाइड मेथड में n के n इक्वल टू वन रखते हैं, इलर मॉडिफाइड मेथड में n इक्वल टू वन रखते हैं और इलर में लेकिन n इक्वल टू वन लेते हैं। तो यानी इसमें निकालने के लिए हम जब h की वैल्यू निकालेंगे, इसमें h इक्वल टू एक्स जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो डिफरेंस देखेंगे, जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो इक्वल टू जीरो पॉइंट टू। अब देखिए, यहाँ पर से इसके लिए निकाल लेते हैं, जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री, यानी x की वैल्यू को सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बाय यूजिंग इलर मॉडिफाइड मेथड, तो इलर मॉडिफाइड मेथड क्या होता है, वाई एन प्लस वन की पावर m इक्वल टू वाई एन प्लस एच अपॉन टू, एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स एन कमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कमा वाई एन प्लस वन। अब देखिए, यह इलर मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला है। अब इसको वेयर एन वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कमा वाई एन। ठीक है, अब इस इलर मेथड से हम क्या निकालना है, जीरो अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन निकालना है, किससे, इलर मेथड से। और बाकी जो अप्रोक्सीमेशन निकलेंगे, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, वो में किससे निकालना है, वो हमें निकालना है इलर मॉडिफाइड मेथड से, यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन इलर मेथड से निकालना है, बाकी सारे अप्रोक्सीमेशन निकालना है इलर मॉडिफाइड मेथड। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि जीरो अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगा इलर मेथड से। तो वाई वन एट जीरो, ठीक है, जीरो अप्रोक्सीमेशन वाई वन एट जीरो इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स नॉट का वाई वन। देखिए, यहाँ पर जीरो अप्रोक्सीमेशन के लिए, जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन के लिए क्या करेंगे, एन इक्वल टू जीरो रखें और एम इक्वल टू वन रखें, एन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू वन, यानी वाई वन एट जीरो, वाई वन एट जीरो बन जाएगा तुम्हारा। देखिए, यहाँ पर वाई जीरो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा ऑफ वाई वन, तो वाई वन यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, वाई यहाँ पर एन की जगह जीरो रखेंगे तो वाई नॉट और प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स नॉट कमा वाई नॉट। तो वाई वन, ये देखिए, वाई वन फर्स्ट जीरो अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है वन और प्लस एच की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट टू और फंक्शन हमारा कितना है लॉग बेस ई एक्स एक्स प्लस वाई है, तो लॉग बेस ई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो यहाँ पर से यह कितना हो जाएगा, वन प्लस जीरो पॉइंट टू और लॉग बेस ई और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है जीरो, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है वन, तो यानी ये कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी, ये हो जाएगी जीरो
और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो, और इसकी मल्टीप्लाई जब 0.2 से तो जीरो खाली वन बचेगा, यानी जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वाई वन कितना आया हमारा वन आया, जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन कितना आया हमारा वन आया। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन हमारा कितना आया वन आया। अब हम यूज़ करेंगे एरर मॉडिफाइड मेथड। अब हमने बोला था खाली जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन निकालने के बाद हम उसके बाद जितने भी अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो सारे एरर मॉडिफाइड मेथड से ही निकालेंगे। नाउ वी यूजिंग द एरर मॉडिफाइड मेथड, तो वाई एन प्लस वन की पावर एम इक्वल टू वाई एन प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स एन कमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कमा वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन। ठीक है, अब देखिए वाई वन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, ठीक है, इन्हें मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अभी जीरो तो अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला एरर मेथड से। अब हमने बोला था बाग में बाकी जितने भी अप्रोक्सीमेशन निकलेंगे वो एरर मॉडिफाइड मेथड से निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने एन इक्वल टू देखिए वन रखा है और एम इक्वल टू वन रखा है, यानी एन इक्वल टू वन, यानी वाई वन यहाँ पर है, वाई एन इक्वल टू जीरो रखा, एन इक्वल टू जीरो रखा है और एम इक्वल टू वन रखा है। तो वाई नाट प्लस एच अपॉन टू एफ 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 ऑफ एक्स नाट कमा वाई नाट प्लस एफ ऑफ, यानी एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स वन कमा, और यहाँ देखिए एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई वन और एम यानी वन माइनस वन यानी जीरो, वाई वन एट जीरो, इसकी वैल्यू हमने निकाल भी चुके हैं वाई वन एट जीरो, देखिए वाई वन एट जीरो निकाली भी है अभी हमने, तो वाई वन एट जीरो यहाँ पर वन रख देंगे जी हमने ये, ठीक है। तो देखिए वाई वन वाई नाट की वैल्यू कितनी है वन प्लस एच की वैल्यू जीरो पॉइंट टू पॉइंट टू, और ये कितना है फंक्शन हमारा लॉग बेस ई एक्स एक्स नाट प्लस वाई नाट और प्लस लॉग बेस ई एक्स वन प्लस वाई वन जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, ठीक है। तो वन प्लस ये कितना हो जाएगा इसको उसको डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन लॉग बेस ई और एक्स नाट की वैल्यू जीरो प्लस वाई नाट की वैल्यू वन और प्लस लॉग बेस ई एक्स वन की वैल्यू जीरो पॉइंट टू वाई वाई जीरो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने वन निकाली थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दी वन प्लस जीरो पॉइंट वन और प्लस ये कितना है हमारा देखिए लॉग वन, लॉग वन का मान कितना होता है जीरो होता है, यानी लॉग जीरो प्लस वन यानी लॉग वन का मान जीरो प्लस लॉग वन पॉइंट टू, यानी इसको देखिए वन प्लस जीरो पॉइंट वन और यानी लॉग वन पॉइंट टू की वैल्यू रखेंगे जीरो पॉइंट वन एट टू थ्री, यानी इसको वाई वन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन निकाला वन पॉइंट जीरो वन एट टू आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन के लिए क्या करा जाएगा वही एन इक्वल टू जीरो एम इक्वल टू टू, ठीक है। तो देखिए वाई वन एट टू इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई वन एट वन, देखिए यो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगी और उसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू निकलेगी वाई वन एट टू की फिर वहाँ पर ये आ जाएगी वहाँ पर रख दी जाएगी। तो देखिए वाई नॉट की वैल्यू कितनी है वन और प्लस एच की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट टू पॉइंट टू प्लस लॉग एफ ऑक्स इसकी वैल्यू कितनी लॉग एक्स बेस ई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट और इसको यहाँ लॉग फंक्शन यहाँ पर कितना है लॉग बेस ई एक्स वन प्लस वाई वन एट वन, तो यानी यहाँ पर कितना वन प्लस जीरो पॉइंट वन और यहाँ पर लॉग बेस ई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट की वैल्यू हमने भी कितनी निकाली थी यानी जीरो निकाली थी ऊपर, देखिए ये लॉग बेस ई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने जीरो निकाली थी, तभी इसकी वैल्यू जीरो रख दी। और यहाँ पर लॉग बेस ई एक्स वन की वैल्यू जीरो पॉइंट टू प्लस वाई वन की वैल्यू कितनी हमारी है वाई वन की वैल्यू है हमारी वन पॉइंट जीरो वन एट टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है वन प्लस जीरो पॉइंट वन और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से इसको इसको जब ऐड करेंगे तो लॉग वन पॉइंट टू वन एट टू आ जाएगा, तो वन प्लस जीरो पॉइंट वन इंटू लॉग वन पॉइंट टू वन एट टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट वन नाइन सेवन थ्री, इसकी इसकी जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू वाई वन निकालेंगे तो आ जाएगा वन पॉइंट जीरो वन नाइन सेवन, ठीक है। ये वाई वन हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन निकला वन पॉइंट जीरो वन नाइन सेवन आ गया, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन निकालना है हमें, देखिए वाई थ्री वाई थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा वाई नॉट प्लस एच अपॉन टू यानी एम इक्वल टू खाली थ्री रखा गया है वाई नॉट प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई एक्स वन कमा वाई वन एट टू, ठीक है। तो यहाँ पर वाई नॉट की वैल्यू रखेंगे कितनी वन और प्लस एच की वैल्यू जीरो पॉइंट यानी एच अपॉन टू यानी जीरो पॉइंट टू अपॉन टू और प्लस ये वैल्यू कितनी हमारी आई थी जीरो और प्लस लॉग एक्स वन कमा एक्स वन प्लस वाई वन एट टू, ठीक है। और वन प्लस जीरो पॉइंट वन यानी ये वाली वैल्यू अभी हमने इससे पहले निकाली थी, इससे पहले जीरो करी थी, देखिए आप ये यहाँ पर से जीरो आई थी वैल्यू हमारी इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी जीरो आई, तभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसमें जीरो रख दी, ठीक है। और इस लॉग एक्स वन प्लस वाई वन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, ठीक है। और वन और प्लस जीरो पॉइंट वन और जीरो और प्लस ये कितना हो जाएगा लॉग ये कितना होगा एक्स वन का मान कितना है जीरो पॉइंट टू प्लस वाई वन का भी हमने मान निकाला सेकेंड ये वाई वन एट टू का मान निकाला वन पॉइंट जीरो वन नाइन सेवन अभी पीछे निकाला है, ठीक है। तो वन पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन प्लस ये जीरो और ये इसको वैल्यू को ऐड करा लॉग वन पॉइंट टू वन नाइन सेवन
वन प्लस 0.1, इसकी लॉग इसकी वैल्यू रखी तो 0.1986, ये हमारी वैल्यू आई 1.099। ठीक है, ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन हमारा निकल के आया कि ये अभी हमारा वैल्यू निकालना है 0.2 के लिए। अभी 0.5 के लिए वैल्यू निकालना है, 0.5 के लिए वाई वन निकालना है, यानी 0.2 के लिए वाई वन निकालना है और 0.5 के लिए वाई टू भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू देखो एन इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू फोर, तो वाई नॉट प्लस एच अपॉइंट टू प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई वन एट थ्री, यानी ये वाली जो वैल्यू हो जाती है इससे ये वाली यहाँ पर आ जाएगी फिर से, और उससे पहले थी वाई वन एट टू आ जाएगी और उसके पहले वाई वन एट जीरो आ जाएगी इसमें। तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है वन और प्लस एच अपॉइंट टू 0.2.2 प्लस लॉग, ये कितना है देखिए लॉग या फंक्शन कितना है, लॉग एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस लॉग एक्स वन प्लस वाई वन का एट एक्स वन और एक्स वन प्लस थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई वन प्लस वन प्लस 0.1 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से लॉग, ये हम अभी इससे पहले हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे ऊपर वाले स्टेप में जीरो वैल्यू होती है इसकी है, लॉग एक्स वन की वैल्यू कितनी 0.2 और लॉग वाई वन एट थ्री की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली, ठीक है 1.0199। ठीक है, इसकी वैल्यू रख ली तो ये 1 प्लस 0.1 और यहाँ इसको ऐड कर लिया तो 1.2198 आ गया। ठीक है, 1 प्लस 0.1 इसकी वैल्यू हमने लॉग की वैल्यू रखी, लॉग बेस ई की वैल्यू जब रखेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा 0.1987, तो इसकी इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0199। ठीक है, तो देखिए वाई वन एट थ्री इक्वल टू वाई वन एट फोर इक्वल टू 1.0199, हमें निकालना क्या था इसमें, वाई वन 0.2 पर निकालना था, 0.2 पर क्या निकालना है वाई वन निकालना है, तो जीरो वाई एट 0.2 इक्वल टू 1.0199, यानी वाई वन निकला है हमारा, वाई वन निकला है तो यानी वाई वन इक्वल टू 1.0199। तो फ्रेंड्स हमारे लिए अभी ये वैल्यू निकली किसके लिए निकली है, हमारे लिए वैल्यू निकली है एक्स वन इक्वल टू 0.2 दिया आपको, एक्स वन इक्वल टू 0.2 पर हमें वाई वन निकालना है, एक्स टू इक्वल टू 0.5 पर हमें वाई टू निकालना है, यानी मतलब वाई एट 0.2 पर हमें कैसे निकालना है वाई वन निकालना है, तो हमने वाई वन निकाल लिया। अब हमें अभी किस पे निकालना है, वाई एट 0.5 पर हमें क्या निकालना है वाई टू निकालना है, वाई एट 0.5 पर वाई टू निकालना है, यानी अब हमें इसमें क्या निकाला था वाई वन निकाला था, यानी वाई वन एट जीरो फिर वाई वन एट वन एट थ्री वाई वन एट थ्री वाई वन एट फोर। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे वाई टू एट जीरो, यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, जीरो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, इसी टाइप से इसमें 0.5 पर भी निकालेंगे। तो देखिए 0.5 पर कितना, 0.5 पर पूछ रहा है, कह रहा कि 0.5 पूछ रहा है, 0.5 पर पूछ रहे हैं वाई टू आपको फाइंड करना है, तो देखिए एक्स टू इक्वल टू 0.5 है तो वाई टू पर निकालना है आपको। तो इलर मोडिफाइड मेथड क्या होता है, वाई एन प्लस वन की पावर एम इक्वल टू वाई एन प्लस एच ऑफ वाई एन प्लस एच अपॉइंट टू एफ ऑफ एक्स एन कमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कमा वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन। ठीक है, एम वेयर एम इक्वल टू वाई एन प्लस वन की पावर एम माइनस वन और वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कमा वाई एन, यानी ये क्या है इलर मेथड से हमें क्या निकालना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, इससे इलर मेथड से हमें जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकालना है, बाकी जितने भी अप्रोक्सीमेशन निकलेंगे वो सिर्फ इलर मोडिफाइड मेथड से हम निकालेंगे और इलर मेथड से निकालेंगे ओनली इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इसे बोलते हैं जीरो अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए वाई टू एट जीरो के लिए क्या करना होगा, वाई टू एट जीरो के लिए हमें क्या करना होगा, एन इक्वल टू वन रखें और एम इक्वल टू वन रखें, यानी वन प्लस वन यानी वाई टू निकालना क्या है हमें वाई टू, तो यानी वाई टू बनाना है ना हमें, तो वाई टू यहाँ पर देखिए वन प्लस वन यानी वाई टू और एट जीरो एम माइनस वन मैंने वन माइनस वन यानी जीरो वाई टू एट जीरो इक्वल टू वाई वन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स वन कमा वाई वन, तो यानी वाई वन की वैल्यू रख ली यहाँ पर, एच की वैल्यू रख ली एच की वन वाई वन की वैल्यू कितनी 1.0199 अभी निकाली थी पीछे, अभी पीछे निकाली थी इससे पहले देखिए 1.0199। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख ली 0.0, एच की वैल्यू कितनी लिख ली 0.3 निकली इसके लिए थी, यानी 0.5 माइनस 0.2 यानी 0.3 आया था इसका डिफरेंस, और फंक्शन हमारा कितना लॉग एक्स वन प्लस वाई वन, तो यानी लॉग एक्स वन की वैल्यू कितनी है 0.2 है और वाई वन की वैल्यू कितनी निकली 1.0199। इसको सोल्व कर लेंगे सबको, हमारी वाई टू एट जीरो आ जाएगा हमारा 1.0795, यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकला 1.0795। ठीक है, अब इसीलिए आप देखो हमने ये जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकाल लिया, अब जीरो अप्रोक्सीमेशन भी अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो सब इलर मोडिफाइड मेथड से निकलेंगे, खाली इलर मेथड से हमारा जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकला, बाकी जितनी भी अप्रोक्सीमेशन आप निकालेंगे वो हम तरीके से निकालेंगे इलर मोडिफाइड मेथड से निकालेंगे, इलर मोडिफाइड मेथड से फाइंड करेंगे। तो देखिए नाउ वी आर यूजिंग इलर मोडिफाइड मेथड, तो वाई टू क्या लिखेंगे सेकेंड का एम इक्वल टू वन का, तो देखिए वाई वन प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू एट वाई टू जीरो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ
वाई टू। तो देखिए वाई वन की वैल्यू रखी 1.0199 प्लस एच की वैल्यू 0.3/2 और एफ ऑफ कितनी रखी, यही ये फंक्शन हमारा लॉग एक्स वन प्लस वाई वन, और यहाँ पर कितना होता है लॉग एक्स टू प्लस वाई टू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली, इसको उसको डिवाइड करा, ये आ गया ठीक है लॉग एक्स वन की वैल्यू, लॉग एक्स वन की वैल्यू रखी 0.2, वाई वन की वैल्यू रखी 1.0199 प्लस लॉग ये कितना है एक्स टू। अब देखिए एक्स टू की वैल्यू कितनी है 0.5 है ठीक है, और वाई टू वैल्यू कितनी है, वाई टू एट जीरो की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.079 ठीक है। तो देखिए 1.0199 प्लस 0.15, और देखिए यहाँ पर इसको इसको जब ऐड किया तो लॉग 1.2199 प्लस इसको इसको जब ऐड किया तो वन लॉग 1.5795। तो ये सेम बता लिया, ये भी स्टेप सेम है वैल्यू, ये भी सेम है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली 0.199 और इसकी वैल्यू रखी तो 0.log बेस ए की वैल्यू ये वहाँ पर कितनी आएगी 0.4571 ठीक है। इसको इसको जब सबको सोल्व करेंगे तो 1.1183 हमें मिलेगा। फ्रेंड्स ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू हमने निकाल लिया है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा जीरो अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू हमारा आया था 1.0795 और ठीक है, और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू हमारा आया 1.1183 आया ठीक है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकालना है हमें, देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वाई टू के लिए, वाई टू के लिए एन की वैल्यू में टू रखना होगी और एन की वैल्यू कितनी वन रखना होगी और एम की वैल्यू टू रखना होगी। तो वाई टू एट टू इक्वल टू देखिए वाई वन प्लस एच अपॉन टू, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, तो वाई वन प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई वन प्लस एच ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू ठीक है। तो देखिए वाई वन की वैल्यू रख ली 1.0199 प्लस h की वैल्यू रख ली 0.3/2 और प्लस यह कितना फंक्शन हमारा कितना log x1 प्लस y1, यहाँ पर कितना log x2 प्लस y से ये कितना log x2 प्लस y2 एट 1 ठीक है। अब यह कितना हो जाएगा देखिए 1.0199 प्लस इसको इसको डिवाइड करा 0.15, इसको इसकी वैल्यू रख ली तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.1988, इससे पहले सोल्व कर चुके हैं इसको देखिए, और log x2 प्लस y2, log x2 की वैल्यू कितनी 0.5 और y2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 कितना हमारा निकाला था 1.1183 निकाला था, इसको इसको जब ऐड करेंगे और उसके बाद log की वैल्यू जब निकलेंगे तो 0.481423 यानी कितना लिखेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 हमारा निकलेगा 1.1219। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 हमें मिल जाएगा सोल्व करने पर 1.1219 ठीक है। अब क्या निकालना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू निकालना हमें, तो वाई वन प्लस एच अपॉन टू एफ ऑफ एक्स वन कमा वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू कमा वाई टू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू ठीक है। तो देखिए वाई वन की वैल्यू रख ली और एच की वैल्यू रख ली, एच की वैल्यू सोल्व कर लिया था हमने अभी इससे पहले, देखो 0.15 आया था ठीक है, और इसको हमने सोल्व करा तो 0.1988 आया था ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे log x2 की वैल्यू 0.5 है और y सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 हमारा कितना निकाला था 1.1219 ठीक है, 1.1219 यानी log 0.5 प्लस 1.1219 इसको जब ऐड करेंगे तो 1.621933 आएगा। जब इसकी वैल्यू रखेंगे log 1.621933 के 0.483618 आएगा, जब इसको इसको ऐड करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो थर्ड ये हमारा कितना आ जाएगा वाई टू 1.2223 आ जाएगा, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2। अब देखिए निकालते फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 जब निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक, तो 1.10199 प्लस 0.15 और इसमें 0.1988। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा log, ये कितना हो जाएगा log x2 प्लस ये वाली वैल्यू y थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 वैल्यू कितनी है 1.2223 आ जाएगा ठीक है। इसको इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.483238 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा y2 ऐसे कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 कितना निकालेगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.2223 आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 की वैल्यू दोनों की सेम आई है, तो हमारा ये इसकी वैल्यू सेम आई, तो y2 थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 इक्वल टू 1.223 हमको मिला है, यानी y2 हमारा कितना आ जाएगा y2 एट 0.5 पर हमारा निकला 1.1223। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी टाइप की